तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दोस्तों एक बार फिर आ चुके हैं बरेली में आप लोगों को दिखाने के लिए। जो बरेली का मेन गुरुद्वारा है वो दिखाएंगे आपके लिए, और वो मॉडल टाउन एरिया में है। और वहाँ पर जो लेडीज़ सूट होते हैं दोस्तों वो बहुत ही बेस्ट मिलते हैं, जो पंजाबी सूट होते हैं। अगर आपको पंजाबी सूट चाहिए और फीमेल के लिए तो आप वहाँ से परचेसिंग कर सकते हैं। और जो मॉडल टाउन एरिया है वो बरेली का बहुत ही पॉश एरिया है, तो पूरा मॉडल टाउन एरिया दिखाएंगे आपके लिए। और इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ दोस्तों बरेली के स्टेडियम रोड पर, और मेरे जस्ट सामने जो कृष्णाज होटल है मैं उसके सामने खड़ा हुआ हूँ। और जो मेरे पीछे आप रास्ता देख रहे हैं वो राजनगर की रास्ता गई हुई है, तो यहीं से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। और दिखाते हैं जो बरेली का मेन गुरुद्वारा है वो दिखाएंगे आपके लिए, और साथ ही साथ जो वहाँ की मार्केट है वो दिखाते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, दिखाते हैं बैक कैमरे से। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। देखिए बैक कैमरे दिखाते हैं आपके लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है बरेली का स्टेडियम रोड, और ये सामने की रास्ता गई है, ये डीडीपुरम और राजेंद्र नगर के लिए गई हुई है। और यहीं पर जो ये होटल है ये है कृष्णाज, ये देखिए इसके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। और एक होटल ये है जस्ट ग्रांड करके, देखिए। तो यहीं से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं, और आगे ही आपको दिखेगा बरेली का जो बहुत ही फेमस स्टेडियम है वो दिखेगा। और सीधे चलते हैं और दिखाते हैं आपके लिए यहाँ का पूरा नज़ारा। और दोस्तों टाइम काफ़ी हो चुका है, रात के लगभग बज रहे हैं 10:30, और आप देख सकते हैं चहल पहल कितनी है। ये रोड बहुत व्यस्त रहता है, और इस रोड पर दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं। एक तो ये साई अस्पताल है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये साई अस्पताल है, और इसके पड़ोस में ही है महाजन हॉस्पिटल। और दोस्तों जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये बाउंड्री चल रही है, ये पूरी बाउंड्री स्टेडियम की है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर बरेली का बहुत ही फेमस स्टेडियम है, ये सबसे बड़ा स्टेडियम। और यहाँ पर कई बड़े बड़े एक्टर भी आ चुके हैं, क्रिकेटर भी आ चुके हैं परफॉर्म करने के लिए। तो ये बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा जो है स्टेडियम है। और ये ट्यूलिप टावर है दोस्तों, ये है ट्यूलिप टावर, ये फ्लैट्स हैं सारे, और नीचे यहाँ पर पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा हट वगैरह है। और इसके जस्ट सामने ही ये गेट है स्टेडियम का, तो यहीं से निकल रहे हैं हम लोग। ये देखिए ये स्टेडियम गेट है दोस्तों, इसकी वीडियो मैं डाल चुका हूँ पहले भी अपने चैनल पे, तो आप देख सकते हैं जाके इसकी वीडियो। दोस्तों मैंने पहले भी डाली है स्टेडियम की, पूरा अंदर से दिखाया है आपके लिए। और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, ये महर्षि जी की मूर्ति रखी हुई है, और ये संजय नगर तिराहा है, चौराहा है यहाँ पर। और यहीं पर हम लोग आ चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। यहाँ 24 घंटे पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, 24 घंटे आप ले सकते हैं। और ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो रास्ता गई हुई है ये है संजय नगर के लिए रास्ता गई है पूरी, ये रास्ता संजय नगर रोड के लिए गई है पूरा, संजय नगर आप यहाँ से जा सकते हैं। और हमें जाना है आगे, क्योंकि हम दिखाने जा रहे हैं दोस्तों आपको बरेली का मेन गुरुद्वारा, जो कि बहुत ही शानदार है, बहुत सुकून मिलता है वहाँ जाकर। तो देखते रहिए आप, वीडियो में एंड तक बने रहिए। और रास्ते में ये कॉलोनी पड़ती है कि ये रेजिडेंसी गार्डन, और आगे काफ़ी कॉलोनियाँ हैं। और बरेली दोस्तों काफ़ी स्मार्ट हो चुका है, काफ़ी विकसित हो चुका है, आप लाइट्स से नज़र लगा सकते हैं। रात के 10 से ऊपर का टाइम है, उसके बाद भी यहाँ पर इतनी चहल पहल है। ये भी एक गेट है मॉडल टाउन का, और ये जो कोठी आप देख रहे हैं ताजमहल की तरह लग रही है दोस्तों, ये गुम्बद वाली कोठी नाम से फेमस है, और ये बहुत ही फेमस कोठी है यहाँ की, बरेली की बहुत ही फेमस कोठी है। आप देख सकते हैं कितनी शानदार कोठी है ये। और मार्केट तो दोस्तों सारी बंद हो चुकी है, अपोलो टायर्स वगैरह सीएट टायर्स का शोरूम है, तो मार्केट तो पूरी बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ। और हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे आपके लिए यहाँ पर, होम डेकर का सामान मिल जाएगा, मतलब हर चीज़ अवेलेबल है। काफ़ी समय हो चुका है ये देखिए, और रोड देख सकते हैं दोस्तों कितने चौड़े रोड हैं आप देखिए। बरेली बहुत ही तेज़ डेवलप हो रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर दिन में तो बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होती है, रात में अच्छी खासी चहल पहल है, तो आप सोच सकते हैं दिन में कितना रश होता होगा यहाँ पर। और यहाँ से हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड पे टर्न,
सीधे हाथ पर टर्न लेंगे और यहीं पर ये पुलिस चौकी भी है, ये मालटन पुलिस चौकी बोलते हैं इसके लिए। ये इसी मालटन पुलिस चौकी से हम लोग अंदर के लिए टर्न ले रहे हैं, ये देखिए। और ये है मॉडल टाउन एरिया जो कि बहुत ही फेमस है, बरेली का मॉडल टाउन एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी शांति है और कितना अच्छा एरिया है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी कोठियाँ मिल जाएंगी आपको, घर मिल जाएंगे। देखिए गाड़ियाँ काफ़ी मिलेंगी यहाँ पर क्योंकि अधिकतर बिजनेसमैन यहीं रहते हैं बरेली में, आपको बड़े से बड़े बिजनेसमैन मिल जाएंगे यहाँ पर। और ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही चुके हैं बरेली के गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे के पास, जो कि बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है, आप देख भी सकते हैं, शायद दिख रहा हो आपके लिए, सबसे ऊंचा यही है बरेली का मेन गुरुद्वारा और काफ़ी बड़ा है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा गुरुद्वारा है और यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर टर्न और ये आप देख सकते हैं गुरुद्वारा कितना शानदार लग रहा है। ये पूरा गुरुद्वारा है दोस्तों, ये देखिए पूरा शानदार गुरुद्वारा, बंद हो चुका है लेकिन अच्छा लगता है यहाँ पर काफ़ी। और ये पूरी मार्केट है, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपके लिए, बंद तो हो चुकी है यहाँ पर, आपको एक से एक बेहतरीन सूट की शॉप है सारी, देखिए ये सारी सूट की शॉप है यहाँ पर, ये सब बंद हो चुका है, दीप भी हट्टी और ये सब चीज़ बंद हो चुकी है अभी तो, वरना तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ होती है। तो अगर आपको सूट वगैरह परचेज करने हैं, स्ट्रीट फूड के मजे लेने हैं या चाइनीज़ खाना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। थोड़ा आगे भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक मंदिर भी है, देखिए ये मंदिर है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर एक पार्क भी है, ये पार्क है इंदिरा पार्क, ये देखिए। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।